GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज ऐसा गेम जो कि तुम्हारे भाई को काफी ज्यादा पसंद है और यही एक ऐसा गेम है जो कि प्ले स्टोर पर हम लोग को फ्री मिलता है केवल डाउनलोड करने के लिए, बाकी खेलने के लिए पैसे लगते हैं। और आज हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं क्या हम लोग 15 मिनट के अंदर पूरा गेम खत्म कर पाते हैं। पता है गाइस ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल काम है, लेकिन हम लोग को ये देखना है 15 मिनट के अंदर लोग भाई कितना ज्यादा गेम को खेल सकते हैं। तो चलो गाइस यार यहाँ पे अपना गेम जो है भाई स्टार्ट हो चुका है और हम लोग को यहाँ पे मिले हुए हैं पूरे 30 नेट फ्री ट्रायल के लिए। लाइक इसी में लोग पूरा गेम देखना हम लोग कितना कर पाते हैं, लेकिन हम लोग यूज करने वाले केवल 15 मिनट खेलने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो चैलेंज है भाई उतना ही लिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई टोनी अपने अंडरग्राउंड से वापस आ चुका है, तो फिलहाल हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं अपने मेन बॉस के पास, उनसे गले लगते हैं और फिर विंसेंजो के साथ चले जाते हैं अपने फ्लैट को देखने के लिए, क्योंकि गाइस यार हम लोग आए हुए हैं सिटी में तो भाई रहने के लिए घर होना चाहिए और घर हम लोग को भाई विंसेंजो दिखाने वाला है, क्योंकि अभी हम उसी ये अंडर पे काम करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा मजा आएगी अच्छी सारी वीडियो पे। तो चलो गाइस यार बिना किसी देरी गाड़ी में बैठ जाते हैं और देखते हैं भाई हम लोग कितनी देरी में पहुंचते अपने घर। बाकी तुम्हारे भाई को रास्ता तो याद अच्छे से, कोई दिक्कत बात नहीं, और भाई गलती से कंट्रोल करते गलत चुन लिया और भाई गाड़ी ठुकना जाए अपनी, लेकिन चलो भाई शेट ठुक गए, चलो कोई बात नहीं। अभी हम फटाफट से पहुंचते अपने घर पे और आप लोगों को दिखाते हैं पूरा घर हम लोगों को, यानी कि जो फ्लैट है भाई वो कैसा मिला है, मतलब कि पूरा टूर देते हैं भाई आप लोग को हम लोग। तो चलो गाइस यार यहाँ मैं लोग पहुँच चुके अपने फ्लैट पे, जो कि आप लोग देख सकते हो भाई कितना अजीब सा है। तो चलो गाइस यार इसके अंदर आ चुके हम लोग और आते ही हम लोग को एंट्री काफ़ी ज़्यादा छोटी सी मिली हुई है। यहाँ पे हम लोग को मिल गया अपनी बैकअप सीढ़ी। तो फिलहाल बगल में किचन है, यहाँ पे अपना भाई बेडरूम और वार्डरोब है, तो हम लोग यहाँ पे कपड़े चेंज करने हैं, जो कि हम लोग फटाफट से करके जाते हैं विंसेंजो के पास, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी सारे मिशन करने हैं। लाइक भाई मेरे को भाई फुल गैंगस्टर बनना भाई आज के दिन में। तो फिलहाल यहाँ पे कपड़े चेंज हो चुके अपने, बाहर और देख सकते हो अपना गैराज इतना ज्यादा बड़ा मिला हम लोगों को यहाँ पे, तो काफी ज्यादा सही सीन हो गए गैराज मिलने के बाद, मतलब कि हम लोग जो भी गाड़ी लाएंगे यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल अभी विंसेंजो की गाड़ी जो है ना भाई काफी ज्यादा ठोक दी अभी हम लोगों ने, लेकिन चलो कोई ना भाई अभी हम लोग इसे लेके चलते हैं इसके ऑफिस पे, क्योंकि भाई ये वहीं पर जाके हम लोग अपना जो पहला मिशन है ना भाई वो देने वाला है। तो चलो गाइस यार यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं सीधा विंसेंजो के ऑफिस पे और मिलते हैं हम लोगों से सीधा अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद। ओके गाइस यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने विंसेंजो के ऑफिस पे और यहाँ पे हम लोग को इसने दिए पूरे $100, जो कि घंटा किसी काम के नहीं भाई, 500 देने चाहिए थे यार पूरे टैक्सी ड्राइवर बना दिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं अभी पहला मिशन करेंगे तो अपनी कमाई तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है। तो चलो गाइस यार अभी इससे बातचीत करके हम लोगों ने ले लिया अपना पहला मिशन और अभी हम लोग इसी की भाई बाइक उठा के लेके चलने वाले हैं, क्योंकि कार तो भाई इसके पास है ही नहीं अभी। तो चलो गाइस यार बाइक उठा के पहुँचते हैं अपने सीधे उस लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग उस डीलर से भाई दूसरे डीलर बातचीत करवानी है। तो चलो यार हम लोग देखते हैं कितने पहुंचते हैं, बाकी बाइक सही से चल नहीं रहे, कार हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो गाइस यार अभी इन्होंने ले ली अपनी फेवरेट कार, मतलब कि जीटीए की लिबर्टी सिटी में जो फेवरेट कार है ना मेरी, तो गाइस ये वही वाली कार है, काफी ज्यादा भाई एसयूवी टाइप की, काफी ज्यादा ह्यूज भी है। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं डीलर के पास, इससे बातचीत करके उन्होंने बैठा लिया अपनी गाड़ी में। बाय द वे गाइस यार आप लोग इस गाड़ी को देख के बताओ भाई ये गाड़ी मस्त लग रही है कि नहीं, लाइक भाई पूरी गैंगस्टर वाइब देती है गाड़ी। तो चलो गाइस अभी ये जो बंदा है ना बैठ जो अपनी गाड़ी के अंदर, तो इसीलिए चलते हैं हम लोग सीधा उसी लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग को इसकी डील करवानी, जिससे हम लोग को भाई मिलेगा मोटा पैसा। तो चलो गाइस यार यहाँ से हम लोग इतनी तेज अपनी गाड़ी को भगा सकते हैं भगाते हैं, क्योंकि हम लोग भाई जल्दी जल्दी अपने सारे मिशन को कंप्लीट करना है। तो चलो गाइस यार जाम थोड़ा बहुत लगा हुआ है उसे इग्नोर करते हैं, इसकी डील करवाते हैं, लाइक देखते हैं भाई काम तो सही नहीं है इसका, लेकिन चलो जो भी है अभी पहुँचते हैं। तो चलो गाइस यार अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, इसकी डील करवा दी हम लोगों ने और अपना दूसरा मिशन भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। पहला मिशन हम लोगों ने अपना घर देखे कर लिया, दूसरा मिशन ये वाला था जिससे अपनी कमाई हो चुकी है, टोटल $100 पिछले वाले थे, $100 अभी के, यानी अभी तुम्हारे भाई पे हो चुके हैं पूरे $200, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और अभी तुम्हारे भाई ने गाड़ी को चला दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, रोहित शेट्टी कॉल ना कर दे भाई मेरे को, भाई देखो अभी याली गाड़ी ब्लास्ट कर दी। चलो अभी ये जो गाड़ी ठुकी हम लोगों ने ठुक दी थी इसे लेके चलते हैं और पहुँचते हैं सीधे दोबारा से विंसेंजो के पास, लाइक उसे दूसरा तीसरा मिशन लेते हैं हम लोग और देखते हैं आगे सीन। और इसके बाद हम लोगों ने इस वाली गाड़ी को भी ब्लास्ट कर दिया, लाइक भाई मेरे पास इसके बाद ना सीधे भाई रोहित शेट्टी की कॉल आ जाती है कि भाई वो मेरे को भाई अगली पिक्चर में लेना चाहता है सिंगम अगैन में, लेकिन भाई मैंने उसे मना कर दिया, वो पता है क्या कह के, मैंने उसे कहा कि
उसके बाद हम लोग दोबारा से चले जाते हैं विंसेंट जो के पास, उससे बातचीत करने लिए भाई अगले काम क्या है। तो भाई वो तुरंत ही हम लोग अगला काम बता देता है। तो भाई बिना किसी देरी के हम लोग उसी गाड़ी उठा लेते हैं और चलते अपने सीधे अगली लोकेशन पे, जहाँ पे भाई इसने भाई हम लोग को एक फाइट करने के लिए भेजा है, मतलब कि यार तीन बंदों को पकड़ के ठोकना हम लोग को। तो चलो भाई यार भाई ऐसा गैंगस्टर लोगों का काम काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन चलो अभी जो भी हम लोग पहुँचते अपनी गाड़ी को लेके उस लोकेशन पे, लाइक भाई हम लोग दूसरे शहर पे जाना है तो थोड़ा बहुत हम लोग टाइम लग जाए पहुँचने में। तो भाई तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, तो हम लोग सीधा आप लोग को मिलते हैं अपनी मेन लोकेशन पे पहुँचने के बाद। अपनी लोकेशन में पहुंचने के बाद इन तीनों बंदों को टपकाने बाद तुम्हारा भाई इस मिशन को भी कंप्लीट कर देता है और इससे हम लोग की कमाई हो जाती है $500, यानी कि अभी हम लोगों ने कमा लिए हैं पूरे $700, लाइक काफ़ी तगड़ी बात हो गई है। लेकिन चलो अभी हम फटाफट से जाते हैं मिशन जो पास दोबारा से उसे बातचीत करने के लिए कि भाई अगला मिशन क्या फिर है। लेकिन भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पे फाइट करके अपनी HP काफ़ी गिरा ली है, तो हम लोग जाने वाले सीधे अपने घर पे, क्योंकि हम लोग को थोड़े बहुत HP चाहिए अगले मिशन के लिए। भाई पता नहीं कितना ज़्यादा भयानक मिशन होने वाला है। तो चलो भाई ये जो गाड़ी है ना भाई, लिटरली इतना ज़्यादा तुम्हारा भाई ने ठोका, लेकिन भाई लिटरली अभी तक इसमें आवा तक नहीं आई। और अभी जितनी गाड़ी तारीफ कर रहा था ना स्पोर्ट कार की, SUV कार की, वो तो भाई जल के क्या ही होगी। भाई रोहित शेट्टी ने भी कॉल कर दी, लेकिन चलो जो भी है ये गाड़ी काफ़ी सही है और लग नहीं रहा ज़्यादा और चल पाएगी। तो यहाँ पे कोई और गाड़ी खड़ी होती है तो उसे उठा लेते हैं। भाई ये वाली काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी लंबी गाड़ी है, तो इसको उठा के चलते हैं घर पर, अपनी HP रिफिल करते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले मिशन की तरफ हम लोग। तो गाइस वो गाड़ी सही से चल नहीं रही थी, जिसके चलते हम लोग दोबारा से एक स्पोर्ट कार उठा लिया है। बाकी यहाँ पे बारिश हुई और बंद भी हो गई। भाई पता नहीं क्या ही मौसम चल रहा है, भाई क्या चल रहा है भाई, मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, क्या पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। देख रहे हो आप लोग, कभी बरसात हो रही कभी हो ही नहीं थी भाई, पता नहीं क्या ही अजीब है। तो अभी हम लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, हम लोग की HP रिफिल हो चुकी है और अभी अपने 15 मिनट भी पूरे हो चुके हैं, जैसे आप लोगों ने ऊपर वाली स्क्रीन पर देखा। तो ऐसा आप लोग कह सकते हो हम लोगों ने टोटल टोटल भाई 4 मिशन कंप्लीट कर लिए, जो कि भाई मेरे सबसे ज़्यादा सही थे। बाकी यार मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा भाई फालू प्लान आ रहा है कि गाइस यार हम लोगों को क्या ये चैलेंज लेना चाहिए कि हम लोग पूरी GTA लिबर्टी सिटी को भाई एक ही वीडियो में कंप्लीट करें। लाइक भाई 17-18 घंटे जितने लगते हैं तुम्हारा भाई लगाएगा, लेकिन अगर आप लोग को भाई इस पे वीडियो चाहिए तो भाई प्लीज़ भाई मेरे को भाई नीचे कमेंट करके बताना, तो भाई मैं गारंटेड भाई इस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा और भाई आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया क्या हुआ, उन्होंने कहाँ तक गेम को खत्म किया। आई होप कि आप लोगों को यार जो वीडियो है पसंद आएगी, आइए तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हैप्पी दिवाली। पता नहीं दिवाली वीडियो आएगी क्या फिर नहीं।